हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मूवी थ्रिल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं साउथ की टॉप 6 बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज जो हिंदी में डब होकर अवेलेबल हो चुकी हैं। आज की ये सभी मूवीज बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त हैं, जो आपके दिमाग को एंड तक पूरी तरह से उलझा कर रखेंगी। तो आइए जानते हैं इन मूवीज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 6 पे जो मूवी है वो है खामोशी। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 3.4 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 63% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है प्रभु देवा, तमन्ना भाटिया के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें एक ऐसी युवती दिखाई गई है जो ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, और वो युवती खुद को एक हवेली में फंसी हुई पाती है जब एक सीरियल किलर उसका पीछा कर रहा होता है। अब वह खुद को उस सीरियल किलर से कैसे बचाती है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 5 पे जो मूवी है वो है आयरा। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 67% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। एक तमिल भाषा की मूवी है, इसे हिंदी में सीरियल लवर नाम से डब किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है नयनतारा, क्लेयर एक्शन के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें एक पत्रकार यमुना अपनी दादी से मिलने दूर दराज के एक गाँव में जाती है, और तब वहाँ एक आत्मा उस पर हावी हो जाती है। इसके बाद कहानी में बहुत से खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलेंगे। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 4 पे जो मूवी है वो है K-13। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 81% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई आदिक रविचंद्रन, अरुण निधि, गायत्री के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें एक फिल्म निर्माता एक लड़की के साथ रात बिताने के बाद जब जागता है तब वह उसे मृत पाता है, और जैसे ही वह अपनी यादों को ताज़ा करने की कोशिश करता है उसके हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं और वह वहां से भागने की कोशिश करता है। अब आगे कहानी में क्या होता है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 3 पे जो मूवी है वो है किंग ऑफ कोठा। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 77% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है डरके शर्मा, ऋतिका सिंह, ऐश्वर्या लक्ष्मी के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें अपराध से प्रभावित शहर में कंदन भाई और उसका गिरोह राज करने वाली शक्तियाँ हैं। अब इस शासन का मुकाबला करने और बदला लेने के लिए इंस्पेक्टर साहुल बड़ी चतुराई से किंग की वापसी की साजिश रचता है। अब आगे क्या होता है कहानी में, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 2 पे जो मूवी है वो है पाम बतम। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। ये एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 65% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। ये कन्नड़ भाषा की मूवी है, इसे हिंदी में नागपनी नाम से डब किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है जीवन, मल्लिका शेरावत, सुमन तलवार के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसकी कहानी एक नागमती महल के इर्द गिर्द घूमती है जहाँ कई सारी आश्चर्यजनक गतिविधियाँ होती हैं और वहाँ पर कई लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। तो आखिर इस महल का क्या है रहस्य, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 1 पे जो मूवी है वो है कॉकटेल। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 75% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है वीरेन केशव, करिश्मा श्रीराम के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की,
तो इसमें जोकर के भेष में एक व्यक्ति एक ही रात में तीन युवा लड़कियों की हत्या कर देता है। तो आखिर वो सीरियल किलर कौन है और वो ये हत्याएं क्यों कर रहा है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जबरदस्त मूवीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।